हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अक्रूर जी और श्री कृष्ण की कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करती हूँ। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वासुदेव के भाई थे, इस नाते से वह कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुँह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं, तो वह उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेज कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी ने कंस को मार गिराया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी की स्थापना की। वहां पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें उनकी सहायता चाहिए। इस पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक स्नेहतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी, वहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण के साथ द्वारिका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारिका में रहे, तब तक वहाँ खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाते ही वहाँ अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण के आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारिका आए और नगरवासियों के सामने स्नेहतक मणि दिखाई, जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा स्नेहतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय के बाद अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी कृष्ण और अक्रूर जी की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे मैं जब भी कोई दूसरी कहानी लेकर आऊँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी में।